खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां बरसात के मौसम में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे संचारी रोग नियंत्रण माह में कीटनाशक दवाओं का अभाव है। यह अभियान बहराइच प्रशासन के लिए मात्र मीडिया इवेंट तक सीमित रह गया है। नेता और अधिकारी जुमावड़े के बीच जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। अभियान का सारा दारोमदार सफाई कर्मियों के कंधे पर है, जिनके हाथ में अभियान के नाम पर केवल झाड़ू ही रह गया है। जलभराव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव, कुओं में क्लोरोक्वीन, सरकारी नलों और नाली आदि स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों का छिड़काव, रिहायशी इलाकों में फॉगिंग जैसी व्यवस्थाएं जमीन पर कहीं भी नहीं दिख रही हैं। जो दिख रहा है वो है नेताओं और अधिकारियों के बयान, जिनके दम पर संचारी अभियान को सफल बनाया जाएगा। संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक दवाएं शायद इस अभियान का हिस्सा नहीं है। कहने को तो संचारी अभियान में कई विभागों की जिम्मेदारी है, मगर धरातल पर पूरी जिम्मेदारी सफाई कर्मियों के कंधे पर है। सुरक्षा किट के अभाव में बिना जूते और दस्ताने के सफाई कर्मी बजबजाती नालियों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाला ये विशेष अभियान बिना जरूरी संसाधनों और दवाओं के मात्र झाड़ू के दम पर कितना सफल होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। एक विभाग का दायित्व है, इसमें स्वास्थ्य विभाग है, पंचायत राज विभाग है, नगर निगम है, कृषि विभाग है, पंचायत विभाग है, शिक्षा है, सारे विभाग एक प्रकार से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।